खजाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई राजस्थान के जो लोग हैं बड़े दिलदार होते हैं और उनका खाना भी जो है वो भी उतना दिलदार ही होता है। वैसे वहाँ के काफी सारे लोग जो हैं मारवाड़ी मेरे बहुत दोस्त हैं और वो लोग जो खाना बनाते हैं जो खाना खाते हैं इतना बढ़िया खाना होता है, काफी रिच भी होता है, घी भी काफी पसंद करते हैं और खाने के इतने पैशनेट होते हैं कि काफी मेरे दोस्त हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि उन्हें शेफ होना चाहिए था। खैर देखते हैं कि आज हम कौन सी चीज बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें बनाएंगे, शुरुआत करेंगे कांजी वड़ा से। हाँ मुंह में पानी आ गया ना, कांजी भी बनाएंगे वड़े भी बनाएंगे मूंग दाल के। इसके लिए करना क्या है, ये मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है ये वड़े के लिए, और ये जो वड़े बनेंगे ये बनेंगे मूंग दाल के। तो ये मूंग दाल पानी के अंदर भिगो के रखें और उसके बाद मूंग दाल जो है उसको पीस लिया। अच्छा इसको पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना है पीसते समय, जो जिस पानी में भीगा है पानी निकाल के फिर उसे पीस लें। ये देखिए अब ये जो है अच्छे से फेंटना चाहिए इसे, ताकि जो वड़े बने वो एकदम सॉफ्ट बने। अच्छा इसके अंदर नमक, सौंफ, ये थोड़ी सी क्रश्ड धनिया, ये भी क्रश्ड हींग, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, अच्छा ये थोड़ी मोटी मोटी रखें, और उसके साथ हरी मिर्च की पेस्ट। ये सब चीजों को अच्छी तरह से फेंटना है और इसी में डाल देते हैं थोड़ा हरा धनिया। ये लीजिए ये फेंट दिया। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें पानी होना चाहिए, और वो किस लिए मैं बताता हूँ आपको, वो इसलिए कि अगर जो मूंग के वड़े हैं मूंग दाल के, अगर ये बैटर अच्छी तरह से फिटा नहीं हुआ या मॉइस्चर इसमें कम है तो फूलेंगे वो बढ़िया नहीं। अच्छा ये जो है बैटर तैयार, तेल भी अब तो गर्म हो ही गया है और अब ये जो वड़े बनाने हैं ये बना लेते हैं हम इसी तरह से। ये बस इसी तरह से बैटर को लिया तेल के अंदर। अच्छा ध्यान ये रखना है कि ये बहुत ज़्यादा तेज भी ना हो, तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये बाहर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। अब मेरे ख्याल से काफ़ी सारे वड़े तैयार हो गए, जरा इसे चला लेते हैं हम। ये देखिए वाह, ये देखिए, और ये जो वड़े हैं इसको अभी लाल करना है हमने। खैर जब तक ये वड़े पकते हैं हम कांजी की तैयारी कर लेते हैं। वड़े और कांजी यानी कांजी वड़ा, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए राई। ये राई ले लेते हैं और राई को पीसना है हमने, और राई के साथ में वैसे लाल मिर्च चाहिए, तो क्योंकि ये बहुत कम है राई तो लाल मिर्च और नमक जो हमें चाहिए वो इसमें डाल लेते हैं। ये जो है ये पिस गया, हा हा हा, ये देखिए ये है कांजी का, और कांजी कैसे बनेगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। और अब हम ले लेते हैं पानी। जी हाँ कांजी बहुत ही आसान है बनानी, तो ये जो है मस्टर्ड लाल मिर्च और नमक ये लेकर इसे कर दिया मिक्स, और ये जो है ये है कांजी, लेकिन अभी नहीं, इसको फर्मेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 2-3 दिन लग जाते हैं इसमें खटास आने में। अभी आप इसे चखेंगे तो इसमें खटास नहीं आएगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप इसको रख दें इसी तरह से और 2 दिन बाद चखें, ढक के रखें, फिर आप देखेंगे ये जो पानी है खट्टा हो जाता है और वो बन जाता है कांजी। वैसे मुझे याद है कि ये जो कांजी वड़ा है दिल्ली में, अगर आप दिल्ली से वाकिफ हैं तो शाम को आप इंडिया गेट पर सैर करने के लिए जाएं तो वहाँ पर काफ़ी लोग, कुछ लोग पापड़ बेच रहे होते हैं, कुछ लोग कांजी वड़े। वैसे अब नहीं मुझे याद, बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अब पता नहीं कहाँ मिलते हैं। खैर ये जो वड़े हैं ये तैयार, और इसे निकाल कर आप एक काम करें पानी के अंदर डालें, इससे क्या होगा ये हो जाएंगे सॉफ्ट, पानी सोख लेंगे, और इसी तरह से बाकी जितने वड़े हैं आप उसको बना लें। हाँ
कांजी जो है ये तैयार होगी करीब 2 दिन बाद। चख के देखें, खट्टी हो जाएगी। और जो वड़े हैं, आप पहले नहीं है कि आप 2 दिन पहले ही बना के रख लें, कांजी पहले से बना के रखें, वड़े ताजे बनाएं, इस तरह से पानी में कुछ देर डाल के रखें और फिर पानी इसमें से निकाल दें और कांजी के अंदर डालें और इसको दें ठंडा ठंडा। हाँ, जब इसको आप रखें फर्मेंट होने के लिए, मतलब तब बाहर रखें, जल्दी पानी खट्टा होगा और फिर ठंडी ठंडी कांजी वड़ा। वैसे मटके के अंदर कांजी को रखें या मिट्टी के मटके में रखें, बहुत मज़ेदार होती है। और वड़े एकदम सॉफ्ट मुलायम और ये खट्टी तीखी कांजी कब तैयार होगी? समय लगेगा, कोई बात नहीं, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप और हम बनाएंगे कुछ और बेहतरीन ऐसा खाना जो मारवाड़ी लोगों के पसंद है। कहीं ना जाए, देखते रहें खाना खजा। कांजी वड़ा के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले वड़े के लिए 1.25 कप धुली हुई मूंग दाल पानी में भीगी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच सौंफ पिसी हुई, 1 छोटा चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 10 काली मिर्च कुटी हुई, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, 3 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और तलने के लिए तेल, कांजी के लिए 3 बड़े चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। कांजी बनाने के लिए राई में लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर कूट लें। अब इस मिक्सचर को एक बोल में डालें, इसमें 5 कप पानी डालकर मिक्स करें और इसे करीब 2 दिन तक फर्मेंट होने के लिए रख दें। जब ये खट्टा हो जाए तब आप इसे रेफ्रिजरेटर में कुछ दिन तक रख सकते हैं या तुरंत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वड़े के लिए मूंग दाल को पीसकर इसमें नमक, सौंफ, धनिया, हींग, कुटी काली मिर्चें, हरी मिर्च की पेस्ट और हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें तैयार बैटर को आप छोटे छोटे वड़े बनाकर इसे सुनहरा होने तक तल लें। फिर इसे किचन टावल या पेपर पर निकाल कर इसका एक्स्ट्रा तेल सोप कर लें। फिर इन वड़ों को पानी में करीब 5 मिनट तक भिगो रखें और इसे निचोड़ कर कांजी के पानी में डालकर रखें कुछ देर तक। इसे रेफ्रिजरेटर में कुछ देर ठंडा होने के लिए रखें और फिर ठंडा ठंडा परोसे कांजी वड़े। वाह!